सो हेलो गाइस, स्वागत है एक और नए कमाल के एडिटिंग वीडियो के साथ। तो यहाँ देख सकते हैं गाइस, आप लोग इस जो नए वीडियो में आप लोग सिखाने वाला हूँ कुछ इस टाइप से पिक्चर आर्ट फोटो एडिटिंग, जो कि फ्रेंड्स आप लोग फ्री फायर वगैरह पबजी वगैरह जो भी खेलते होंगे उसमें बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। तो मेरे भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक वॉचिंग करेंगे तभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि इस टाइप से फोटो एडिटिंग कैसे होता है। और फ्रेंड्स बहुत ही सिर्फ दो स्टेप में आप लोगों को मैं इस टाइप से एडिटिंग करके दिखाने वाला हूँ। फ्रेंड्स आप लोगों को ये भी मेरा फोटो देख सकते हैं, इस फोटो को मैं कुछ इस टाइप से एडिटिंग करके दिखाऊंगा और आप लोग इस फोटो को एडिटिंग करके आप लोग फ्री फायर वगैरह मतलब जहाँ से जो भी प्लेटफॉर्म है उस पर अपने डीपी अपलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स तो यहाँ पर आप लोग वीडियो को लास्ट तक वॉचिंग करना, और फ्रेंड्स वीडियो में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए गाइस बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपने रियली जो फोटो एडिटिंग वाला उसको क्या करना है, सबसे पहले शेयर कर देना अपने फोटो रूम एप्लीकेशन में। तो सबसे पहले गाइस आप लोग क्या करना है, इस फोटो का बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो इसको शेयर कर देना अपने फोटो रूम एप्लीकेशन में, और फोटो रूम एप्लीकेशन में आप लोग शेयर करते टाइम नेट को ऑन रखना है तभी ये वर्क करेगा। तो यहाँ पे शेयरिंग हो जाने के बाद से आप लोग क्या करना है, आप लोगों को बार बार मैं बताता हूँ, ट्रांसपेरेंट वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करके और इस फोटो को डाउनलोड कर लेना है। तो इसलिए मैं यहाँ शेयर वाला आइकन पर क्लिक करके इस फोटो को सेव कर ले रहा हूँ, सेव टू डिवाइड कर लेना है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ से बैकग्राउंड को कटआउट करेंगे तो बिल्कुल से फुल एचडी में बैकग्राउंड मतलब रिमूव होगा और फोटो फुल एचडी में रहेगा। फ्रेंड्स तो यहीं से रिमूव कीजिएगा आप लोग, यहाँ से रिमूव बैकग्राउंड रिमूव हो जाने के बाद से अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन जो है उसको ओपन कर लेना है। तो फाइनली मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ फ्रेंड्स आप लोग को सेम स्टेप बाई स्टेप आप लोग को फॉलो करना है। यहाँ से मैं बैक कर दे रहा हूँ, तो आप लोग को जो यहाँ पे ओपन करने के बाद आप लोग कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है, आप लोग को रेड कलर रख लेना है और देन रेड या फिर अदर कलर जो भी आप लोग को पसंद है वो रख लेना है। उसके बाद से आप लोग स्लाइड करना है, और स्लाइड करने के बाद फ्रेंड्स आप लोग को ड्रॉ टूल वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और सिंपली से आप लोग को यहाँ से जो ये जो आप लोग को ये जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। देन क्लिक कर देने के बाद ये सर्कल वाला जो दिख रहा है इसको आप लोग को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फूल जो दिख रहा है इसको आप लोग को टैप कर देना और ओके कर देना, और इसको बैकग्राउंड में से जूम कर देना है, और देन जूम करने के बाद इसको अपने पूरे बैकग्राउंड में अच्छे तरीके से एडजस्ट करना है और जितना पे आप लोग रखना चाहते हैं तो देन आप लोग को एडजस्ट कर लेना है। तो इस तरीके से आप लोग एडजस्ट कीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है, और इतना हो जाना बस इसको डन कर देना है, और इजीली से आप लोग वीडियो जब लास्ट तक देखेंगे तो फाइनली स्टेप से फोटो एडिटिंग कर पाएंगे। तो मेरे भाई आप लोग से रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो कहीं पे भी स्किप मत कीजिएगा। तो इतना हो जाना फ्रेंड्स, एड टू फोटो जो दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना है, और देन क्लिक कर देने के बाद से आप लोग को जो फोटो जो मतलब कटआउट किए थे बैकग्राउंड उसको ऐड कर देना है, और ऐड करने के बाद इस तरीके से पूरा मतलब जूम कर लेना है। जितना ही जूम करेंगे आप लोग तो समझ ही सकते हैं डीपी पे कैसा फोटो लगता है। तो कुछ इस तरीके से जूम कर लेना अपने पूरे फोटो को, और देन जूम करने के बाद इसका जो ऑपेसिटी है उसको थोड़ा सा कम कर लेना है गाइस, और इरेज वाला ऑप्शन पे चले जाना है, और यहाँ पे मतलब सर्कल के बाहर जितने भी पार्ट ये आया है इसको पूरा मतलब रिमूव कर देना है। तो आप लोगों को फटाफट से फ्रेंड्स इसको रिमूव कर देना है, इसका हार्डनेस पूरा फुल करके। तो यहाँ से मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोगों को तो वीडियो समझ में आ ही रहा होगा, तो इस तरीके से कुछ रिमूव कर देना है, और देन इस तरीके से रिमूव करेंगे तभी आप लोग का फोटो का जो लुक है वो बिल्कुल रियलिस्टिक लगेगा और ऐसा लगेगा कि सेव के अंदर है आपका फोटो। तो इसका जो ये जो ऑपेसिटी है पूरा फुल कर देना है इस तरीके से करने के बाद से, और देख सकते हैं फाइनली फोटो कितना ऑसम लग रहा है, और इतना हो जाने के बाद इसको डन कर देना है। अगर डन कर देने के बाद से आप लोग को, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा मतलब भाई के कमेंट आ रहा है भाई फ्री फायर डीपी यानी पबजी डीपी का फोटो एडिटिंग लाओ और विक्टर आर्ट एडिटिंग लाओ, तो फ्रेंड्स ये वीडियो में आप लोगों को सब कुछ सीखने के मिलेगा, बिल्कुल से वही टॉपिक है। फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो को लास्ट तक वॉचिंग करना है, और देन इतना हो जाने के बाद से आप लोग को इफेक्ट वाला जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर आप लोग को क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद से आप लोग कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आप लोग को जो स्केच जो दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना, और अपने फोटो का जो कि फ्रेंड्स स्केच बना लेना है, इसके लिए आप लोगों को इजीली से ए वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और इसका स्केच बना देना है। तो स्केच बन चुका है, स्केच का कलर क्या रखना है फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बता दूं, तो इसके लिए आप लोगों को यहाँ पे जो टैप कर देना और इसका कलर यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो इजीली से फ्रेंड्स ब्लैक कलर इसको सिलेक्ट कर लेना है, और देन सेलेक्ट करने के बाद इसको डाउन मतलब नीचे कर देना है, और उसके बाद से फ्रेंड्स इसका जो यू जो सबसे फर्स्ट में ऑप्शन है उसको आप लोग देख सकते हैं कि मतलब 10% माइनस में है। तो इसको आप लोग को क्या करना होगा फ्रेंड्स, आपको लोग इसको बिल्कुल जीरो कर देना है, ठीक है।
तो मैं यहाँ से फटाक से कर ले रहा हूँ क्योंकि इसको जीरो रखेंगे तभी के पूरे फोटो में फिक्स बैठेगा। तो इसको जीरो कर देने के बाद आप लोगों को कहाँ कहाँ पे रिमूव करना मैं बता दे रहा हूँ। कपड़ा पे इधर अप्लाई हुआ है तो इसको रिमूव नहीं करना है। अगर विक्टर आर्ट फोटो एडिटिंग करना है तो इसको कपड़े पे रिमूव नहीं करना है। और मैं जैसे जैसे रिमूव अपने जिस पार्ट पे रिमूव कर रहा हूँ वैसे आप लोगों को कर देना है। सिंपली से हेयर वाला मतलब हेयर पे जितने भी है उसको हटा देना है और आइज पे से हटा देना है। और मैं जहाँ जहाँ पे रख रहा हूँ और वहीं पे रखना है। तो देंगे मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे ओट के नीचे थोड़ा सा इस तरीके से मतलब रख लेना है। और मतलब हेयर वगैरह पे पूरा रिमूव कर देना है और जो यहाँ पे ईयर है उस पे भी थोड़ा सा मतलब अप्लाई कर देना है। और देन इतना हो जाने के बाद से आप लोग को यहाँ जो लिप्स के नीचे थोड़ा सा रख लेना है और इसको डन कर देना है। तो फाइनली गाइस यहाँ तक तो समझ में आ गया मेरे भाई, आ गया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इतना हो जाने के बाद फिर से इफेक्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और देन आप लोगों को इस बार क्या करना होगा मेरे भाई, फोटो में स्केच बना देने के बाद से आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आर्टिस्ट जो लिख रहा है इस पर क्लिक कर देना और ऑयल पेंट पे क्लिक कर देना है। ऑयल पेंट पे क्लिक करने के बाद इसका जो अमाउंट है उसको आप लोगों को मतलब 20 रख लेना है। और देन 20 रख लेने के बाद इरेज वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, इसको इन्वर्ट कर देना है और इजिली से अपने पूरे कपड़े पर इस तरीके से अप्लाई कर देना है। और फ्रेंड्स आप लोग स्टेप बाय स्टेप जब फॉलो करेंगे तो अब भी आप लोगों का स्टेप से विक्टर आर्ट फोटो एडिटिंग हो पाएगा, नहीं तो आप लोग एक भी स्टेप मिस कर देंगे तो आप लोग विक्टर आर्ट फोटो एडिटिंग नहीं सीख पाएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को पूरे अपने फेस पे इस तरीके से अप्लाई कर लेना है। और देन अपने जो टीथ है यानी दांत है इस पर आप लोगों को अप्लाई नहीं करना है, अपने अपने माउथ पे अप्लाई नहीं करना है और पूरे अपने फेस पे अप्लाई कर देना। अपने हेयर वगैरह जितने भी हैं उस सब पे अप्लाई कर देना है। और आप लोगों को सिर्फ आईज जो दिख रहा है इतना पार्ट जो आँख का इस पर अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। और बाकी अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लीजिए, स्किन पर अप्लाई कर लेना है। तो इतना हो जाने के बाद आप देख ही सकते हैं मतलब बिल्कुल से विक्टर आर्ट फोटो एडिटिंग हो चुका है और डन कर लेना है। फ्रेंड्स अभी भी एक प्रोसेस बाकी है, उसके लिए आप लोगों को फिर से इफेक्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और मैजिक पे क्लिक कर देना है। और मैजिक पे क्लिक करने के बाद इसे स्लाइड करना है और स्लाइड करने के बाद आप लोगों को इधर बहुत मतलब थोड़ा सा स्लाइड करना है। उसके बाद से यहाँ पे न्यू पॉप जो लिख रहा है उस पर क्लिक कर देना है। और देन क्लिक करने के बाद से अभी थोड़ा सा लोड ले रहा है तो मेरे भाई यहाँ पे पॉप पे क्लिक करेंगे उसके बाद से इसका नॉर्मल है फ्रेंड्स इस टाइप से हो जाएगा। तो आप लोगों को नॉर्मल तो नहीं रखना है फ्रेंड्स, इसका मैं सेटिंग बता दे रहा हूँ। इसको आप लोगों को डार्क जो दिख रहा है इस पर आप लोगों को ला के छोड़ देना है। और यहाँ पे जो यहाँ पे फैट जो दिख रहा है इसका अमाउंट अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, यहाँ पे कम और ज़्यादा करके रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फाइनली इतना पे अच्छा लग रहा है और इतना पे अच्छा लग रहा है अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करके लाइट वगैरह जैसे भी रखना चाहते हैं वैसे रख लेना है। और इतना हो जाने वैसे मेरे भाई इसको डन कर देना है। तो फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स मतलब बहुत ही कम टाइम में विक्टर आर्ट फोटो एडिटिंग आप लोगों को सिखा दिया हूँ। और आप लोगों को आई होप वीडियो समझ में आ ही गया होगा। अगर फ्रेंड्स वीडियो समझ में आ गए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई। और आज के जो नए वीडियो में सिर्फ इतना ही, और फिर से मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, लव यू।